हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज मैं आप लोगों को ककौड़ा खाने के फ़ायदों के बारे में बताऊंगी। वज़न कम करने के लिए ज़्यादातर लोग डाइटिंग का सहारा लेते हैं, जिस वजह से वज़न पर तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन इससे थकान, कमजोरी का भी एहसास होने लगता है। इसके अलावा खून की कमी, बहुत ज़्यादा भाग दौड़, नींद की कमी भी कमजोरी का कारण हो सकती है। अगर आपको भी अक्सर कमजोरी का एहसास रहता है, तो सबसे पहले अपने खान पान पर ध्यान दें, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है फलों और सब्जियों का। ऐसे ही सब्जियों में शामिल है ककौड़ा। इस सब्जी में कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। ये पेट से लेकर हमारे हार्ट और यहाँ तक कि मोटापा दूर करने तक में सहायक होते हैं। इसे कई जगह कंटोला के नाम से भी जाना जाता है। ककौड़ा कई सारे न्यूट्रिशन से भरपूर सब्जी है। प्रोटीन, फैट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम जैसे कई न्यूट्रिशन इस सब्जी में मौजूद होते हैं। इस वजह से इसे खाने से शरीर को कई सारे लाभ मिलते हैं। तो आइए जानते हैं ककौड़ा खाने से होने वाले फायदों के बारे में। ककौड़ा का पर्याप्त मात्रा में सेवन करने से रक्त प्रवाह में आने वाली समस्याओं को दूर किया जा सकता है। रक्त प्रवाह में आने वाली समस्याएं दिल की बीमारी से जुड़ी होती हैं। दिल से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए ककौड़ा जरूर खाएं, फायदेमंद होता है। बरसाती मौसम में मिलने वाली ये सब्जी डायबिटीज के रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। ककौड़ा का नियमित सेवन करने से मधुमेह रोगियों में रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। इसमें मौजूद फाइटोपोषक तत्व पॉलीपेप्टाइड पी शरीर में मौजूद अतिरिक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए भी ककौड़ा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन ए आपकी आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। इसे आहार में शामिल करके अपनी दृष्टि में सुधार कर सकते हैं। आंखों से संबंधित अन्य समस्याओं को दूर करने में भी ये मदद करता है। गर्भ अवस्था के दौरान होने वाली समस्याओं में तंत्रिका ट्यूब दोष भी शामिल है। ककौड़ा के ताजे फलों में विटामिन बी सी की अच्छी मात्रा होती है, जो कोशिका विकास और प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसका नियमित सेवन करने से तंत्रिका दोष के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। हमारे शरीर में मौजूद हानिकारक फ्री रेडिकल्स की मौजूदगी के कारण कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ककौड़ा के ताज़ा हरे रंग वाले फलों में विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है, जो हमारे शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की अच्छी मात्रा होने के कारण ये फ्री रेडिकल्स को नष्ट करने में मदद करता है और कैंसर की संभावनाओं को रोकता है। बुखार के लिए ककौड़ा का सेवन करना फायदेमंद ही है, साथ ही आप इसकी पत्तियों का भी उपयोग कर सकते हैं। बुखार दूर करने के लिए इसकी पत्तियों को पानी में उबालें। इस मिश्रण को ठंडा करने के बाद इसमें एक बड़ा चम्मच शहद मिलाएं और इसका सेवन करें। इससे बुखार कम हो जाएगा। गुर्दे में स्टोन की समस्या अधिकांश लोगों को होती है। ककौड़े के बीज का नियमित सेवन करें तो पथरी की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। 10 ग्राम ककौड़ा के पाउडर को 1 ग्लास दूध में मिलाकर नियमित सेवन करने से लाभ हो सकता है। ककौड़ा के औषधीय गुण मूत्राशय के ब्लैडर स्टोन्स को हटाने में मदद करते हैं। बवासीर की समस्या से परेशान हैं तो इसके पाउडर का उपयोग करें। आप इसके लिए 5 ग्राम ककौड़ा पाउडर और शक्कर के मिश्रण का नियमित रूप से दिन में 2 बार सेवन करें। ये आपकी समस्या का उपचार करने के लिए एक दवा का काम करता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।